विंध्य का एक ऐसा क्षेत्र जहां किसी अधिकारी की जान की कीमत शून्य के बराबर देखने को मिलती है। अवैध रेत का ट्रैक्टर पकड़ने गए एसआई महेंद्र बागरी को ट्रैक्टर से कुचलने का जिस तरीके से मामला आया और इसके बाद में एसआई महेंद्र बागरी की मौत हो गई, इसके बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आरोपी ट्रैक्टर चालक गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन एसआई महेंद्र बागरी जिस तरीके से अन्य दो पुलिसकर्मियों के साथ वारंटी को पकड़ने गए थे और उसी दौरान अवैध रेत का ट्रैक्टर लेकर आ रहे ट्रैक्टर को रोका, लेकिन ट्रैक्टर चालक गाड़ी से कूदकर भाग गया और ट्रैक्टर को इस तरीके से मोड़ दिया कि एसआई पर चढ़ गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि शहडोल में अगर देखा जाए तो इस तरीके से अवैध रेत के मामले जिस तरीके से माफियाओं द्वारा किया जाता है और इसके बाद में कोई जिम्मेदार अगर उसको रोकथाम करने के लिए पहुंचता है तो वहां पर किस तरीके से हत्या की जाती है, कोई पहला मामला नहीं है। जो पूरा मामला मैं बता रहा हूँ व्यवहारी थाना क्षेत्र की घटना है, जो विगत दिनों में पूरे क्षेत्र नहीं पूरे देश में मामला पूरी तरह से वायरल हो रहा है। हालांकि आनंद फार्म में प्रशासन का जो बुलडोजर है वो चलता है, रेत माफिया व ट्रैक्टर चालक के अवैध मकान को ढहा दिया जाता है। रेत माफिया सुरेंद्र सिंह का जिस तरीके से नाम सामने आ रहा है, ट्रैक्टर चालक राज रावत कोल के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी बुलडोजर तो चला दिया गया, मकान को तो जमींदोज कर दिया गया, लेकिन व्यवहारी थाने पदस्थ एएसआई महेंद्र बागरी के जान को किस तरीके से वापस लाएगा शायद जिम्मेदार हैं वो भी नहीं बता पाएंगे। ये व्यवहारी थाना क्षेत्र के हेलीपैड के पास बलौड़ी की घटना है, लेकिन ये जो पूरी घटना का जो घटनाक्रम है क्यों हुआ और कैसे इसकी रोकथाम हो सकती थी इस पर भी हम जिक्र कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से माफियाओं का पूरी तरह से हौसले बुलंद है, 5 माह पूर्व शहडोल जिले के व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र के देवलोन थाना क्षेत्र में पटवारी प्रसन्न सिंह की हत्या हो जाती है और आज देशभक्ति जनसेवा करने वाले पुलिस के एएसआई महेंद्र बागरी की हत्या हो गई। देखा जाए तो दोनों की हत्या केवल खनिज माफियाओं के द्वारा ही की गई। पहली घटना जब पटवारी की हत्या हुई थी तब व्यवहारी में पदस्थ एसडीएम नरेंद्र सिंह धुर्वे और एसडीओपी रवि प्रकाश को तत्काल प्रभाव से जिले से बाहर हटा दिया गया होता और माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हुई होती तो शायद आज एक और हत्या न होती। वैसे भी खनिज विभाग नाम मात्र के लिए बनाया गया है, सारा खेल तो रेत के ठेकेदारों द्वारा खेला जाता है, अधिकारी केवल कठपुतली बनकर बैठे रहते हैं। ऐसी निशंक हत्याएं होने के बाद यह लिखने में हमें गुरेज नहीं है या बोलने में हमें गुरेज नहीं है कि रेत कारोबारी के आगे शासन का सिस्टम घुटने टेक चुका है। मध्य प्रदेश के कैसा जिला शहडोल जिला, जहां जिले के बाहर से आए जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी के पूर्ण रूप से मुख सहमत के द्वारा बेलगाम अवैध रूप से काम तेजी से चला जा रहे हैं। जिले के पत्रकारों के द्वारा आए दिन लगातार अवैध कामों के खिलाफ खबर चलाया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को खबर प्रकाशित से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि माफियाओं के द्वारा पत्रकारों को धमकाया जाता है। ऐसे कई बार ऑडियो वायरल हो चुके हैं और पुलिस अधिकारियों के द्वारा झूठी केस में फंसाने की धमकी भी दी जाती है। खनिज विभाग के जिला अधिकारी, खनिज निरीक्षक एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी एवं जिले के सभी थाना प्रभारी एवं वहां के भीड़ प्रभारी के द्वारा माफियाओं को बढ़ावा देकर उनमें मोटी रकम की वसूली किया जाता है और यदि लगातार शिकायत होती है तो उनके द्वारा केवल दिखावे की कार्रवाई की जाती है, जिसका जीता जाता उदाहरण आज एक पुलिस सिपाही के रेत माफियाओं के द्वारा ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी जाती है। हालांकि रेत माफियाओं की लगातार दादागिरी भी चलती है, कई वर्षों में देखने में आ रहा कि रेत माफियाओं की दादागिरी सर चढ़कर बोल रही है और हत्या जैसी घटनाएं होने के बाद मामला धीरे धीरे शांत हो जाता है, फिर नई वारदात करने के लिए रेत माफिया फुर्सत से 5 महीने के अंदर या दूसरी बड़ी घटना कर देते हैं। इस घटना को लेकर भले जिला प्रशासन के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया हो, ट्रैक्टर मालिक को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया गया हो और इसके बाद में कार्रवाई की गई हो, लेकिन सवाल यह उठता है क्या इससे एएसआई महेंद्र बागरी की बच्ची, माँ बाप और पूरे परिवार और स्वयं पुलिस बल का कष्ट निवारण होगा या शांति मिलेगी। आखिर खनिज विभाग के अधिकारी और जिले के सभी थाना के थाना प्रभारी खनिज माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई वास्तविक ठोस रूप से क्यों नहीं करता है, अवैध वसूली को लगाम क्यों नहीं लगा पाते हैं। इनके अवैध वसूली कारण कुछ माह पूर्व में एक पटवारी की हत्या इन्हीं रेत माफियाओं के द्वारा किया गया, जिसका कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखने जैसी स्थितियां देखने को मिली। अब बड़े बड़े सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर लगातार यह कार्रवाई इतनी बड़ी बड़े हादसे क्यों किया जाते हैं, क्या पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बेलगाम है या फिर जिम्मेदार इस पर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं या फिर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि शहडोल कहा जाता है कि पूरी तरह से रेत माफिया और खनिज माफियाओं के लिए लगातार जाना जाता है, अब तो यह भी लोग कहने लगे हैं कि हत्या के जो पॉइंट है यह भी शहडोल अब कहलाने में कहीं दूर नहीं गए हैं। हालांकि इस तरीके से लगातार विंध्य प्रदेश टीवी भी कई बार खबरों को अपडेट करता रहा है, कई क्षेत्रों में देखा जाता है कि अवैध रूप से मोरम की खुदाई
मिट्टी की खुदाई, इस तरीके से बड़े बड़े बावली बना दिए जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं। प्रशासन को सूचना देने के बावजूद भी बिंद के जितने भी इलाके हैं वहां पर कभी भी कोई भी कार्यवाही ठोस रूप से देखने के लिए मिलती है। केवल मिली भगत के रूप में अपने जेब भरने में लगातार कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। इन्हें भी पता होता है कि कोई भी पत्रकार जब भी कोई सूचना देगा या फिर कहीं कोई खबर चलाएगा तो वहां पर ये लोग जाकर के सेटिंग कर देते हैं। यह भी कोई कहना बड़ी बात नहीं है। ये पूरा था मामला। इस किस तरीके से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, क्या कुछ कारण है, ये सारे जो स्टेप हैं वो आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। आप लगातार बने रहिए वृत्त पर टीवी के साथ, पुनः बड़ी तस्वीरों के साथ उपस्थित होगा। तब तक आप मुझे याद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।